टीम इंडिया को विशाखापट्टनम के स्टेडियम में सीरीज के दूसरे वनडे मैच में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 10 विकेट से बाजी मारी। टीम इंडिया के बल्लेबाज इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे। पूरी टीम 26 ओवर ही बल्लेबाजी कर सकी और 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस मैच में टीम इंडिया का एक खिलाड़ी पूरी तरह फ्लॉप रहा। सीरीज के पहले मैच में भी ये खिलाड़ी टीम पर बोझ साबित हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज में विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को लगातार खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन वह इस मौकों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव सीरीज के पहले मैच में महज एक गेंद खेलकर वापस पवेलियन लौट गए थे। दूसरे वनडे में भी टीम को उनसे काफी उम्मीद थी, लेकिन वह इस मैच में भी पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। सूर्य कुमार यादव का ये खराब प्रदर्शन उन्हें आने वाले मुकाबलों में प्लेइंग 11 से बाहर भी कर सकता है।